अक्षय कुमार के बेल बॉटम को लेकर मेकर्स का बड़ा फैसला, ओटीटी प्लेटफॉर्म ही होगी पहली चॉइस। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो टीम ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम जैसे डिजिटल दिग्गजों के साथ सीधे डिजिटल प्रीमियर के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ट्रेड में ये भी चर्चा है कि फिल्म का इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के दौरान ओटीटी प्रीमियर होगा। पिंक विला से जुड़े सोर्सेज की माने तो ये एक अनिश्चित समय है और इसलिए फिल्म की रिलीज को लेकर काफी सारे ऑप्शंस सामने हैं। मई महीने में बेल बॉटम की टीम अपनी फिल्म की मार्केट वैल्यू जानने के लिए अमेजॉन और हॉटस्टार दोनों से बातें कर रही थी। हॉटस्टार के अधिकारियों के लिए भी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और उनसे फिल्म को लेकर शानदार रिएक्शन मिली। हालांकि निर्माताओं ने अपने डिजिटल पार्टनर के रूप में अमेजॉन के साथ बने रहने का फैसला किया है। लोगों के मन में अभी भी यही सवाल है कि क्या बेल बॉटम का प्रीमियर सीधे अमेजॉन प्राइम पर होगा, तो बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्माताओं ने बेल बॉटम के लिए थिएट्रिकल और डिजिटल दोनों ऑप्शंस खुले रखे हैं। जून के लास्ट तक वो इस फिल्म के रिलीज को लेकर आखिरी फैसला लेंगे। यदि सिनेमा हॉल नहीं खुलते हैं या फिर सिनेमा घरों को फिर से खोलने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो ये फिल्म 15 अगस्त के मौके पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। पोर्टल से जुड़े हुए सोर्सेज ने बताया कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ऑन ग्राउंड सिनेरियो के आधार पर जून के लास्ट तक फैसला किया जाएगा।